आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं इस समय नारियां इलाके में मौजूद हूँ, ठीक जम्मू पुंछ राज्य मार्ग के साथ। और आपको बता दूं यहाँ पे एक गरीब परिवार जो है वो रह रहा है, और कच्चा मकान है इनका, और अभी तक इनको इन्होंने अपना मकान जो है वो नहीं बनाया। इनकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, और एक इनका बेटा है और तीन इनकी बेटियाँ हैं छोटी छोटी। और सरकार की द्वारा ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। बच्चियाँ जो हैं वो बच्चियों के सिर पे छत नहीं है, और अगर सोना भी हो तो वो भी ज़मीन पे। किस तरीके का जीवन बसर हो रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। के ना तुसाना? मेरा नाम पूरन सिंह है सर। कितनी देर तू तुसा दा परिवार जड़ा इत्थे रह रहा? सर कोई कम से कम 60 साल हो गए। अपना जेडे कोई बड़े अफसर हैं मेरी सुनाई की जाए, अगर नहीं कर सकने तो फिर इन्हें जवाबदार बनी जान। नहीं परेशानी के है, मतलब के चक्कर के है जमीन दा? ओ एक गल आखने के जड़ी ये गौरमेंट नहीं जगह कि तेरे को नहीं है। अच्छा। मैं सर मेरी अगर नहीं सी तो तुसा फिर मेरे फादर साहब ही जा मेरी मदर की क्यों दीती? 60 साल हो गए। अच्छा 60 साल तू इथे हो जी सर। हूँ तुस के मांग करोगे? हूँ मांग ये है कि मैं अगे वैसा कोई काम करना चाहना, मैं अगर गौरमेंट चाहनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर तकी लो कि छोटे छोटे बच्चे ने नहीं कुदर क्या करना। मैं तुसें गौरमेंट की तरफों जरा जमीन इसका कमरिया का पैसा कुछ ऐसा मकान का मिले? हाँ सर 1,70,000 रुपया मिले सी मी। अच्छा। तो उसने भी मैं 50,000 रुपया कटाया। अच्छा। लेबर लाई सी मैं। अच्छा। तो बजरी वगैरह सीमेंट पत्थर। अच्छा। मैं ले आया सा, सीमेंट वगैरह मैं चुकाई छोड़ा कि खराब हो जाता, तो बाकी मेरे को मटीरियल पे आ सर तो तुसा देख ही लिया, तो बाकी तकी लो तुस अपने हिसाब न। मेरी ये दरख्वास्त है कि मी कम कर दिता जाए। जिले कोई भी बारिश होती है चाहे कोई तूफान चल रहा है, किस तरह तुसा दा परिवार जड़ा वो? बहुत मुश्किल है सर। अच्छा। हाँ पिछले दिनों में एक पेड़ से डिग गया उस साइड, जे अगर ऊपर आई जाता कमरे फिर बड़ा मुश्किल सी। एक अजे भी ऊपर आ रहा, मैं कई बार उन्होंने को दरख्वास्त की है, मैं उत्थे DFO दफ्तर भी गया, मैं सर मेरे छोटे छोटे बच्चे ने अगर मरी है तो कुछ जवाब देना, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। हूँ तुस के मंग करोगे कि किस तरह की मंग? सर मेरे को ये है कि मैं कम कर दिता जाए बस। अच्छा। तो जे नहीं कर देने तो फिर असें और कुछ जगह दो। अच्छा। यो गल इस DC राजौरी अगर तुम अपनी फरियाद लैके गए DC साहब को? मैं मत के सारे को गया मैं। अच्छा। DC साहब को फिर दोबारा जाना मैं। अच्छा। जे अगर मन ही जाने तो ठीक है, तो मैं इो गल भी आखना कि जोड़े गवर्नर साहब न तो उन्होंने माड़े बारे गल की जाए कि उसने छोटे छोटे बच्चे चलो मेरे ना देखो बच्चे देखो मैं इतने रहन दो मैं कुछ जाना, अस एक टाइम कमाने बस उ खाने वास्ते होनी है शामी, बाकी दुए दिन ना कोई आसरा नहीं होना बस सर माड़ी ही गल। इस तू इलावा तुसा कोल कितनी जमीन है? सर कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ये इतनी सारी जमीन है? हाँ सर। और पहले यहीं पे 60 सालों से यहीं पे रह रहे? हाँ जी हाँ जी सर 60 साल हो गए हैं। जो मेरे मम्मी पापा थे, मेरे जो पहले दादी थी, उन्होंने प्लाट लिया था पहले, तो ये बोलते हैं कि अभी काम नहीं करना, तो मेरी गलती क्या है इसमें? अच्छा। जी सर मेरी यही दुख्वाश है कि जो भी कोई बड़ा अफसर है उसको बोला जाए कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं इनको काम कर रहे दो, हमने भी हालत देख के आए हैं उधर, इनकी बहुत कंडीशन ख़राब है, तो सर मुझे काम करने दें। तो तुस किसी पटवारी को गए अपनी निशानदेही वास्ते? तहसीलदार साहब के पास गया था। अच्छा। मैंने मार्क करवाया था तो उन्होंने बोला आप जाओ उधर अपना पटवारी साहब के पास वो लिख के देंगे, तो सर पटवारी साहब ने मना कर दिया, बोला कि जंगलात जगह है। अच्छा। तो सर रिश्वत तो मैं दे नहीं सकता, अगर मेरे को गवर्नमेंट ने पैसा दिया है काम करने के लिए दिया, अगर मैं लोगों को देता रहूँगा तो मैं उनको क्या जवाब दूँगा? क्या कुछ पटवारी साहब ने मांगा? वो उन्होंने मेरे से अपने मुँह से कुछ नहीं मांगा जी। मैं ये नहीं बोल सकता कि उन्होंने मांगा है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। अच्छा कुछ नहीं मांगा? नहीं नहीं ठीक है। बस उन्होंने इतनी बात सलाह क्या दिया? उन्होंने बोला कि ये जंगलात एरिया है तो मैं यहाँ पे सहन नहीं करूँगा। अच्छा। बस इतनी सी बात जी सर।
टोटल जो मुद्दा है वो ये है कि लगती ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट की है, और ये ज़मीन का सारा मसला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि ये ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट की है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा प्लाट काट कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा ही, और हम यहाँ पे पिछले 60 सालों से रह रहे हैं। वो मेरे पास कागज भी है। वो आपके पास डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट है और नकल है मेरे पास पड़ी हुई, जो पटवारी साहब थे पहले मैंने उनसे ली थी तो लेके आया था मैं, और कागज भी है मेरे पास जो 60 साल पुराने हैं। तो उन्होंने ये पूरा मेरे से लिया, वो उधर जो DFO साहब है ना, उन्होंने इतनी फाइल बना के वहाँ पे रखी हुई है। तो सर अगर मेरे पास कागज हैं तो मैंने कोई नजायज कब्जा थोड़ी किया है। मसला जो है वो पूरा इनका कहना है कि मेरी सुनवाई होनी चाहिए, मेरा मकान जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से इनका रहन बसन चल रहा है, क्योंकि कच्चा मकान है और छत पे जो है लोहे की चादरें पड़ी हैं, पानी जो है वो अंदर से बहता है, और बच्चों की बहुत बुरी दिशा है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि बचपन में ही इतनी परेशानियां जो हैं वो, बारिश में किस तरीके का इनका रहन बसन होगा। और दूसरी तरफ आर्मी द्वारा इनको एक टेंट दिया गया है जिसमें ज़्यादा जब पानी आ जाए, बारिश हो जाए, तो इसमें ये अपना रहन बसन करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वीडियो ब्लॉग द्वारा इनका जियो टैग कर इनको मकान के लिए पैसा दिया गया, तो वो किस तरीके से जियो टैग किया गया। इनको 50,000 की पहली किस्त भी मिल चुकी है जिनसे इन्होंने प्लैंथें भरनी थी और आगे का काम चलाना था। अब हमारी भी DC राजौरी और अन्य अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत गरीब परिवार है, इनकी सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब परिवार है और छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटी छोटी बेटियां हैं, और बेटियों का इस तरीके से रोलना कहीं ना कहीं जो है चिंताजनक है। हमारी खबर के बाद किस तरीके का असर होने वाला है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग जुड़ रही है जम्मू परिवर्तन के साथ। सर इनका काम वाम कर रहे हैं।